गली न्यूज। गली न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। पटेल की अम्मी दौलत आमिर अली पटेल का आज इंतकाल हुआ। मुंबई के मझगांव गार्डन के पास सीखा एक बड़ा सांप। ये सांप कौन सा था, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये वीडियो गली न्यूज के व्यूअर ने शेयर की है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में बरसी बारिश। हाल ही के कुछ दिनों में जिद्दा में बरसात हो रही है, जिसकी चेतावनी वहां का मौसम विभाग दे रहा है। बांद्रा टर्मिनस से जोधपुर के लिए रवाना हुई 12480 सूर्य नगर एक्सप्रेस के 8 कोच पटरी से उतर गए। यह हादसा राजस्थान के पाली के पास हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि 26 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 16 सीरियस बताए जा रहे हैं। नवी मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने 16 नाइजेरियंस को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तकरीबन 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। इनमें 6 लड़कियां भी शामिल है। इनके पास से 19 मोबाइल फोन और 78,000 कैश बरामद किया है। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात फिर आई सामने। एक कार से कुछ किलोमीटर तक घसीटे जाने के बाद 20 साल की लड़की की मौत हुई है। इस मामले को लेकर सुल्तानपुर पुलिस स्टेशन के पास लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट हिमांदर कुमार सिंह ने बताया है कि सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया और 5 आरोपियों को 3 दिन की जुडिशरी कस्टडी सुनाई गई है। ऑनलाइन खाना मंगाना पड़ा महंगा। रिफंड का इंतजार कर रहे शख्स के अकाउंट से 1,29,000 रुपए कट गए। दरअसल मलबार हिल में रहने वाले शख्स ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था, जिसके बाद उसने ऑनलाइन पेमेंट भी किया, पर शख्स ने ऑर्डर किए हुए फूड को कैंसिल कर दिया, लेकिन उसे रिफंड नहीं आया। कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर सर्च करके उसने अपनी बैंक डिटेल्स कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बताई, जिसके बाद अलग अलग वक्त में 1,29,000 रुपए कट गए, जिसकी कंप्लेंट मलबार हिल पुलिस स्टेशन में की गई। पुलिस ने बताया कि 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर छेड़खानी करने के आरोप में 29 साल के शख्स के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। आगे पुलिस ने बताया कि ये मामला न्यू ईयर ईव की रात का है, जब लड़की और उसके पेरेंट्स जुहू के 5-स्टार होटल में पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू की। बांद्रा के माउंट मेरी चर्च को धमकी भरा मेल भेजने वाले शख्स को कोलकाता से गिरफ्तार किया मुंबई पुलिस ने। ये शख्स मेंटली इल बताया जा रहा है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर इस शख्स ने ऐसा मेल क्यों सेंड किया था। IMD के मुताबिक इस साल न्यू ईयर पर सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि करीब 15.6 डिग्री सेल्सियस का था। IMD का कहना है कि मुंबई में कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। बैंक से हुई सिक्कों की चोरी। तकरीबन 2 लाख के सिक्के चोरी हुए। ये मामला पालघर डिस्ट्रिक्ट के खोदाराम बाग के बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहां से तकरीबन 2 लाख के सिक्के चोरी हुए हैं। बरसा पुलिस स्टेशन ने 24 घंटे के अंदर 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1,08,000 के सिक्के बरामद किए हैं। 31 दिसंबर 2022 की रात मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे से तकरीबन 1,53,00,000 की ड्रग्स बरामद होने की खबर। मुंबई के एंटी नारकोटिक सेल ने की ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई। इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाइजेरियन शख्स बताए जा रहे हैं। तनिषा शर्मा डेथ केस में शहजान खान के घर वालों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहजान पे लगे आरोप की सफाई दी, जिसमें उनके वकील भी शामिल थे। बिग बॉस 16 के एक्स कंटेस्टेंट विकास मनकतला की वाइफ ने शिव ठाकरे पर कपड़े और परफ्यूम चुराने का आरोप लगाया, जिस पर शिव ठाकरे के मैनेजर ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, ट्विटर पर विकास मनकतला की वाइफ के एलिग्रेशन के बारे में मैं शिव ठाकरे के मैनेजर होने के नाते में उनसे सार्वजनिक मंच पर बयान देने से पहले शो की टीम से बात करने का अनुरोध करूंगा। सरकारी हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि मुंबई के जे साइन केम नायर और कॉपर हॉस्पिटल के तकरीबन 4,000 रेसिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल में भाग लिया है। दरअसल रेसिडेंट डॉक्टर अपने हॉस्टल की सुविधा और कोविड के वक्त की बकाया राशि की डिमांड कर रहे हैं। शर्मिली बार ड्रेसर में मुंबई पुलिस एसिस ब्रांच की रेट। इस रेट में एसिस ब्रांच ने 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया है और 31 लोगों पर कार्रवाई की है, जिसमें से 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। टूरिस्ट गाड़ी के पीछे राइनो के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ये वीडियो नेशनल पार्क आसाम का बताया जा रहा है। फैसल शेख उर्फ मिस्टर फैजू पहुंचे अजमेर शरीफ की दरगाह पर, वीडियो किया इंस्टा पे पोस्ट और कैप्शन में लिखा, तू अहले सकी है ये दुनिया को बता दूंगा, हर मांगने वाले को मैं तेरा बता दूंगा। मिस्टर फैसू और मुनव्वर फारूकी का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान फैसल शेख और मुनव्वर इस्लाम की सुन्नतों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं।
फूड ग्रेन ट्रक में आग लगने की खबर। ये हादसा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सेंट्रल क्रूज में 31 दिसंबर की रात को सामने आया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, तकरीबन 8,678 मामले दर्ज कर चालान इशू किया गया, जिसमें 2,456 विदाउट हेलमेट, 156 ड्रिंक एंड ड्राइव, 3,087 नो पार्किंग जैसे मामले शामिल है। शहनाज गिल की मस्ती से शर्माए गुरु रंधावा, दोनों एक साथ म्यूजिक वीडियो में आएंगे नजर। ये म्यूजिक वीडियो जनवरी में रिलीज होगा। रणबीर कपूर की मूवी एनिमल का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ रिलीज। इस पोस्टर में रणबीर का रुख काफी अलग नजर आ रहा है।